मलिक साहब के तो आए दिन चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में चर्चे हो रहे हैं, तो क्यों ना हम भी मलिक साहब की खिदमत का मौका हासिल करें। बस सेठ साहब, अब तो आदत ही हो गई है हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम पुलिस वालों से भी दो हाथ आगे का सोचते हैं। आप बताइए कैसे याद किया? आप तो जानते हैं कि इस मुल्क में दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं। मैं अपने कुछ कीमती हीरों की नुमाइश करने जा रहा हूं, जिसमें एक 30 करोड़ का हीरा भी शामिल है। मैं हीरे की सिक्योरिटी के मामले में आपसे मदद लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि सेठ हीरा लाल पर सिर्फ एक ही शख्स वार कर सकता है, वो है लकी। सेठ साहब, मैं भी बहुत अरसा से लकी को पकड़ने के मौके ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो इतना शातिर है कि उसका कुछ पता नहीं चलता वो कब आया और कब चीज उड़ाकर ले गया, लेकिन वो इस बार बचकर नहीं जाएगा। लेकिन सिक्योरिटी देखकर वो ऐसा एक्शन नहीं लेगा। आप बेफिक्र रहें, वहाँ कोई भी पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं होगा। आज मलिक को मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? लकी के बारे में कुछ बताना है। लकी? हाँ लकी, वो लकी जिसको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। जितना तेज लकी है चोरी करने में, उससे ज्यादा तेज रफ्तार खान है, जो बाइक को चलाता नहीं उड़ाता है। हम लकी को कैसे पकड़ सकते हैं? हम लकी को इसी सूरत पकड़ सकते हैं अगर हम अपनी रफ्तार को उस रफ्तार खान की रफ्तार से ज्यादा कर लें, और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। प्लान क्या है? लकी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, वो हीरा लेने जरूर आएगा। तुमने लकी के बाइकर रफ्तार खान को किसी तरह ट्रैक करना है। वो ट्रैक हो गया तो लकी को पकड़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। जिस हीरे के लिए हम सालों से सोच रहे थे, वो हीरा खुद हमारे पास आने वाला है। हीरा? कौन सा हीरा? 30 करोड़ का हीरा? सेठ लाल अपने हीरे का आखिरी जश्न मना ले, क्योंकि लकी आ रहा है। सलाम मलिक, इसके होते चोरी करना मुश्किल है और आसान काम लकी करता नहीं। काम हो गया बॉस। चोर को चोरी करते तो सबने सुना भी है और देखा भी, लेकिन एक मालिक का खुद चोरी करवाना, बॉस हम समझे नहीं। जिसका हीरा तुम चोरी करके लाए हो वो मैं ही हूँ, सेठ हीरा लाल। और मैंने इसलिए चोरी करवाई क्योंकि मुझे इस हीरे के 10 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के मिलेंगे। 30 करोड़ का हीरा भी मेरा और 10 करोड़ भी मेरे। रफ्तार खान बाइक चलाते वक्त तो रफ्तार रख सकता है, लेकिन उसके दिमाग की रफ्तार जमशेद का मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने रफ्तार खान के बाइक को ट्रेस कर लिया है। जिस बॉक्स में हीरा रखा था उसमें मैंने ट्रैकर लगा दिया था। We'll be right back.
मिशन कंप्लीट हो गया है मलिक, ऑफिस कॉल करके टीम को बुला लो। जमशेद, क्या कोई ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर 30 साल ईमानदारी की नौकरी करके 30 करोड़ कमा सकता है? समझा नहीं? गुड बाय माय फ्रेंड।